आज बीएससी नर्सिंग का नंबर वन चैनल स्टडी मीडियम आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे आपको अटल बिहारी वाजपेयी केजीएमयू का कंप्लीट तैयारी कराया जा रहा है, जो ऑल सब्जेक्ट का होगा। अगर आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप में मिलेगा। ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी लोग ऐप को डाउनलोड कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपना तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हु डिसाइडेड अबाउट द साइज एंड मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऑप्शन ए चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर्स एंड ऑप्शन डी लोकसभा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर के पास ये राइट्स होता है कि ये मेंबरशिप जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, वो उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये पूरा मिनिस्ट्री को संभालता है, पूरा मिनिस्ट्री का जो बैठक होता है उनको, उनकी नियुक्ति ये सब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर लॉ मिनिस्टर्स। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हु रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड ऑप्शन डी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इवन थ्रू ही इज़ नॉट अ मेंबर। ऑप्शन ए वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी कंप्लोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको कैग बोला जाता है, एंड ऑप्शन डी इलेक्शन कमिश्नर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेरियस प्रोग्राम, व्हाट इज निर्मल ग्राम पुरस्कार, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्शन ए इट इज़ एन इंसेंटिव स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर द सिंगल गर्ल चाइल्ड इन फैमिलीज इन विलेज, ऑप्शन बी इट इज़ एन इंसेंटिव स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम विलेज हु रिप्रेजेंट देयर स्टेट इन एनी गेम, ऑप्शन सी इट इज़ एन इंसेंटिव स्कीम फॉर स्कूल इन द विलेज फॉर कंप्यूटर एजुकेशन एंड ऑप्शन डी इट इज़ एन इंसेंटिव स्कीम फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, निर्मल ग्राम पुरस्कार ये क्या है। तो निर्मल ग्राम पुरस्कार जो है ना, वो एक इंसेंटिव स्कीम है फॉर पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा। फर्स्ट लोकसभा का जो स्पीकर थे वो कौन थे, हुकुम सिंह, जी वी मालकर, ऑप्शन सी के एम मुंशी एंड ऑप्शन डी यू एन देवर। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जी वी मावलंकर, ठीक है। इसको, इसका पूरा नाम क्या है, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विच ईयर विल इंडिया चेयर द प्रेस्टिजियस G20 फोरम। ऑप्शन ए 2017, 18, 20 या फिर 22। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2018। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन है, हु सर्टिफाइड अ बिल टू बी अ मनी बिल इन इंडियन स्टेट्स। स्पीकर ऑफ द स्टेट असेंबली, ऑप्शन बी स्टेट अ फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन सी गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड ऑप्शन डी चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पीकर्स ऑफ द स्टेट असेंबलीज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीसेंट मूवमेंट।
ऑप्शन ए तेलंगाना इंसुरेक्शंस, ऑप्शन बी तेवागा मूवमेंट, ऑप्शन सी नक्सलबरी मूवमेंट एंड ऑप्शन डी एपिको मूवमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एपिको मूवमेंट। ओके, ये जो है वो पीसेंट मूवमेंट का एक हिस्सा नहीं था, ठीक है, बाकी ये तीनों ही था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज सेटअप बाय, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ए दलाल, सुभाष चंद्र बोस या फिर लाल बहादुर शास्त्री। और ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल प्लानिंग कमेटी किसके द्वारा सेटअप किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, आइडेंटिफाई द फ्रेंच ऑथर वाज कॉइन द टर्म थर्ड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, ऑप्शन ए जीन पॉल सार्ट्रे, ऑप्शन बी अल्फ्रेड सर्वी, ऑप्शन सी फ्रेंच फैनन एंड ऑप्शन डी पियरे ब्यूरिडी। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्फ्रेड सर्वी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इज, ऑप्शन ए अ रूलिंग पार्टी ऑफ इंडोनेशिया, ऑप्शन बी एन ऑपोजिशन पार्टी ऑफ म्यांमार, ऑप्शन सी अ रूलिंग पार्टी ऑफ भूटान एंड ऑप्शन डी एन ऑपोजिशन पार्टी ऑफ इंडोनेशिया। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अ रूलिंग पार्टी ऑफ भूटान। ओके, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, साइंटिफिक सोशलिज्म इज एट्रीब्यूट टू, ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी जे एम कैनीज एंड ऑप्शन डी थॉमस मन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स जो थे वो साइंटिफिक सोशलिज्म जो पुस्तक थे उनको लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द टर्म पॉलिटिक्स वाज फर्स्ट यूज बाय, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लूटो, एरिस्टल, जॉन लॉक एंड ऑप्शन डी सॉक्रेट्स। देखो यहाँ पे बोला गया पॉलिटिक्स, इस वर्ड का सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एरिस्टल, ठीक है। तो पॉलिटिक्स जो थे इस शब्द का सबसे पहले एरिस्टोटल ने इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, ऑप्शन ए इंग्लिश लोकल बॉडीज आर मल्टीपर्पज, ऑप्शन बी अमेरिकन लोकल बॉडीज आर मोर अन यूनिफंक्शनल्स, ऑप्शन सी इन इंडिया लोकल बॉडीज आर थ्रू इलेक्टेड डोंट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड ऑप्शन डी इन फ्रांस कैंटन वॉज मेड द अंटिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इन इंडिया लोकल बॉडीज थ्रू इलेक्टेड डोंट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल कौन सा है, नगर पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ग्राम सभा या फिर विलेज पंचायत। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्राम सभा, ये जो है ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इन इंग्लिश सोसाइटी मर्डर वॉज नॉट अ क्राइम टिल 10th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 12th सेंचुरी या फिर 14th सेंचुरी। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14th सेंचुरी तक, ठीक है। इंग्लिश सोसाइटी में मर्डर कोई भी क्राइम नहीं था, ठीक है, 14th सेंचुरी तक, उसके बाद इसको क्राइम घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से, व्हेन वाज द फर्स्ट म्युनिसिपैलिटी इन इंडिया एट मद्रास सेट ऑफ, 1587, 1687, 1787 या फिर 1887। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1687 में पहली बार म्युनिसिपैलिटी जो थे वो मद्रास में सेटअप किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, व्हाट इज द मिनिमम
नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी 2, 5, 7 या 10। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थे वो 10 मेंबर्स जो होते हैं उनमें रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशंस ऑफ पावर मेंट टू इंश्योर। ऑप्शन ए रिप्रेजेंटेशंस, ऑप्शन बी एफिशिएंसी, ऑप्शन सी आर पार्टिसिपेशंस एंड ऑप्शन ए चेक एंड बैलेंस। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस साल आपको गवर्नमेंट में सीट चाहिए और 100% सिलेक्शन चाहिए तो आप ये पीडीएफ जरूर पढ़ो। इस पीडीएफ में आपको 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी और केजीएमयू 2023 के लिए बेस्ट है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर ये पीडीएफ पढ़ लेते तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये गारंटी है। ये पूरा पीडीएफ आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 199 रुपये में, जो हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। और ऐप जो है वो हमारे प्ले स्टोर में आपको दिख जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, इसको पढ़ लें। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।